तकरीबन मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। जो वीडियो की जो मेन क्लिप्स थी वो एक्चुअली कन्वर्ट करने टाइम मेरे फ़ोन से डिलीट हो गई थी, तो अभी जो मैंने वीडियो बनाई है वो कुछ सिनेमेटिक शॉट पर मैंने वॉइस ओवर करके बनाई है। तब तक के लिए आप इसको देखिए, मैं थोड़े ही कुछ ही दिनों में आपके लिए नई वीडियो ला दूंगा पल्स 125 स्प्लिट शीट के ऊपर। इन्जॉय करिए इस वीडियो को। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आज मैं आगे एक नई वीडियो के साथ हम रिव्यू करने वाले हैं पल्सर 125 BS6 का स्प्लिट सीट का, जो कि स्प्लिट सीट में आ चुकी है। बहुत अच्छे लुक्स के साथ ही आती है, बहुत अच्छे रिफाइनमेंट इंजन को मिल चुका है। मैं आपको बताऊंगा इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना नीचे कैसी लगी वीडियो, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और देखते रहिए आर्य व्लॉग्स। अगर आपको बाइक को फ्रंट से देखा जाए तो वही आपको टिपिकल लुक देखने को मिल जाता है पल्सर 150 वाला ही, जो कि आता है बल्ब इंडिकेटर्स के साथ। हैलोजन आपको लाइट देखने को मिल जाती है, और हैलोजन ही आपको देखने को मिल जाती है इसके DRLs। अब अगर बात की जाए बाइक के इंजन के बारे में, तो 124.4 cc का 4 stroke 4 valve ट्विन स्पार्क BS6 GT ऐसा इंजन आपको देखने को मिल जाता है इस बाइक में। पल्सर की बैजिंग आपको अगेन यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है पल्सर की बैजिंग। यह आपको 3D में देखने को मिल जाती है, बहुत सही यार। और जो पल्सर 150 वाला ही लुक आता है, आपको साइड में जो टैंक काउल देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात की जाए बाइक के फुल सीट के बारे में, तो देख सकते आपको दिख रहा होगा ये इसका मेन हाईलाइट है, जो कि स्प्लिट सीट आपको दिख रही होगी। पल्सर 125 की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको स्प्लिट ग्रैबरल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये पल्सर 150 डुअल डिस्क वाला लुक देते हैं बाइक को। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि बाकी पल्सर में देखने को मिल जाती है। तो हमें इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। आगे चलेंगे तो अगर टैंक की तरफ देखा जाए तो 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा माइलेज देता है। 50 to 60 km/h का माइलेज आपको बहुत ईजिली मिलने वाला है इस बाइक से, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसा दिख रहा होगा स्प्लिट सीट जो मेन हाईलाइट है इस बाइक का, जो कि मेन हाईलाइट की वजह से आई है ये, इसको स्प्लिट सीट सामने दिख रही होगी। बहुत अच्छा लुक दे देती है यार ये बाइक को। पीछे से अगर आप देखा है तो वही आपको पल्सर वाला टिपिकल लुक देखने को मिल जाता है। वहीं LED लाइट देखने को मिल जाती है, बल्ब इंडिकेटर देखने को। अब अगर बात की जाए बाइक की पावर के बारे में, तो 11.8 PS की पावर देखने को मिल जाती है, 10.8 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है, 5 speed का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करने वाला है। हाईवेज पर भी आपको हाई स्पीड अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। डिस्क आपको फ्रंट मिल जाती है, रेयर में आपको ड्रम मिल जाता है, शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं, नाइट्रॉक्स के रेयर में आपको बल्ब इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। हमारा छोटा सा वॉक अराउंड रिव्यू इस बाइक का, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए। और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ बाइक से रिलेटेड, वॉक अराउंड से रिलेटेड। बहुत ही जल्दी आपको राइड रिव्यूज भी देखने को मिल जाएंगे, तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और देखते रहिए आर्य व्लॉग्स।